छोटा मनपा आर विभाग द्वारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के करीब बसे छोटा धारकों को एमएमसी एक्ट के तहत एक नोटिस भेजी गई। इस नोटिस को भेजने का कारण वहां के निवासियों को पता नहीं था और न ही मनपा के अधिकारियों द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। इस अशिक्षित लोगों से यह बोलकर अंगूठा लगवा लिया कि आपको घर के बदले घर मिलेगा। यहाँ के लगभग 22 घरों को यह नोटिस प्रत्येक व्यक्ति से नाम पूछ पूछ कर दी गई। जब यह लेटर रहवासियों द्वारा किसी शिक्षित व्यक्ति को दिखाकर पूछी गई, तो आम जनता के होश उड़ गए। जब उन्हें यह पता चला कि अगले 48 घंटों में उनके सर से उनका छत उड़ा दिया जाएगा, तो इन लोगों ने स्थानीय अधिवक्ता की मदद ली। अधिवक्ता सीए अंबानी ने तुरंत मनपा से एक पत्र व्यवहार कर पूछा कि किस कारण इन्हें नोटिस दी गई। बहरहाल अधिवक्ता के बीच में आने के बाद कोई कार्रवाई तो फिलहाल नहीं हुई, लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह खड़ा है, इन्हें पूर्व नोटिस क्यों नहीं दी गई? इसके पास मौजूदा दस्तावेज की क्यों जांच नहीं की गई? बेघर करने से पहले इन्हें क्यों पुनर्वसन नहीं किया जा रहा था? जब इनका मत मान्य है तो इनका घर क्यों नहीं? समय नेशनल से लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। तो मेरे पास आया, हमको बोला ये कागज पे आप अंगूठा लगाओ, आपका घर मिल रहा है। तो हम लोग ने सब एक साथ में अंगूठा लगा दिया, मेरे से दो अंगूठा लिया उसने और उसको पूछे हमने काय का है भाई बता, तो उसने ताबड़तोब ऐसे घाई घाई में आया और घाई घाई में चला गया। हाँ बीएमसी का तो हम बता सकते, बीएमसी में भी जाके आपको। आप लोग कितने साल से यहाँ रहते हैं और क्या? 20 साल होने आ गए हमको, उससे ज्यादा हो गए लगे तो 20 साल से। नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। आपको कैसे पता चला कि ये तोड़ने के लिए नोटिस? हमको क्या मालूम, एक बस आई थी बच्चों को पढ़ाने को, उसको जाके पढ़ाया हम। एक बस आती है रोज पढ़ाने के लिए, तो उसको बताया हम, तो उसको बताया तो वो बोले तो तुम लोग का घर टूटने वाला है बोले। फिर बाद में हम लोग भाग दौड़ करने लग गए, इधर गए उधर गए, कहाँ कहाँ जाना था। फिर सर से मदद मांगे, इन्होंने हमारी मदद किया, फिर कौन किसका मदद करता है। कुछ ऐसा भी हुआ है कि एक अंगूठे के बदले में 4000 रुपए ले आपके साथ में? हाँ, क्या हुआ था मसला बताइए। हाँ मेरे से ये कि घर का अंगूठा चार लिया, चार जन का, मेरे से अकेली से। क्या बताएंगे आपको कि किसके लिया जा रहा है नोटिस? ना घर का नोटिस है बोला घर मिलेगा करके हमने अंगूठे फटाफट दे दिया। हमको पता ही नहीं था ये घर तोड़ने का नोटिस है करके। 20 साल से रहते हम लोग, 20 साल के ऊपर हो गए। हाँ है, लाइसेंस वगैरह है, बच्चे लोग। क्या मांग क्या है आप? हमको घर मांगता है, इतने साल से रह रहे तो घर के बदले घर चाहिए। आप यहाँ पे स्थानीय आपके विधायक स्थानीय सांसद या किसी नेताओं के पास गए इस बात के लिए? बहुत गए। क्या कहना था? हमसे बात ही नहीं करते थे, गए भगा देते थे, जाओ जाओ तुम करके, बाद में आओ, एक घंटे के बाद। हाँ वोट देते ना, 25 घर है, 25। महाराष्ट्र सरकार जहाँ झुंझुनूपट्टी के पुनर्वसन की बातें करती है, बात करें 95 की, बात करें 2023 कायदे लागू हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं उसका गलत नजर किया जा रहा है। वही नज़ारा यहाँ बीएमसी के द्वारा भी देखा गया कि बिना किसी प्रायर नोटिस के नहीं तोड़ने की नोटिस दी गई लोगों को। इस बस्ती के बारे में, उस नोटिस के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि आपने इसे लीगल फाइल किया सर। इनको ये तो, इनको कुछ अब इसमें से 24/8 की एक नोटिस दी गई है इनको, वैसे कुछ 22-23 लोगों को नोटिस दी गई है। और ये नोटिस के बारे में कुछ एक न्यूज़पेपर्स में भी छपा गया हुआ था, उसमें किसी लोकल राजनेता का भी नाम था कि उसने MMRDA को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ 2 लेन हाईवे बनानी है बिकॉज ऑफ दिस मेट्रो। तो उठा के सडनली ये नोटिस दी गई थी और कोइंसिडेंटली इसी दिन ये लोग ने कहीं, जैसे इन्होंने बोला राजनेता यहाँ वहाँ गए थे, जो भी गए होंगे उनका, उनकी प्रोगटी उनकी चॉइस है, गए थे। मेरे पास आया तो मैंने सारे नोटिस अच्छी तरह से पढ़े, अंदर ये नज़र आया कि डायरेक्टली उन्होंने नोटिस इशू कर दिया जिसमें लोगों ने बोला है 48 आवर्स डिमोलिशन। अब मेरा एक ही उनसे कहना है कि 48 आवर्स डिमोलिशन कैसे? हम, इन्होंने बोला कि यहाँ 20 साल से रह रहे, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 2 साल से रह रहा है। ये बात पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोग ये बात पे जाएंगे कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन कितने साल से रह रहा है। ये डिसाइड करने के लिए जो नॉर्मल नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस जो बोलता है,
आपको अगले को पूछना चाहिए कि भाई ये नोटिस है, आप हमको बताइए कि आप कितने साल से इधर रहते हो, क्या है क्या नहीं, आपका इधर वजूद क्या है, व्हाट इज योर इंटीग्रिटी एंड स्टेटस हियर। आप उसके लिए दीजिए, उनको टाइम दिए 14 दिन 15 दिन, जो भी आपका टाइम एज पर लॉ बनता है वो आप टाइम दीजिए, उनको बुलाइए, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, और उसके बाद में आपको लगता है कि भाई ये 50 जन है, ये 22 जन रहा, फिलहाल हम लोग 22-25 जो इन्होंने बोला वो ले लेते, 25 में से कोई जरूरी नहीं कि 25 के 25 इनएलिजिबल होंगे, हो सकता है एक भी एक तो सही निकलेगा अंदर, एक तो सही निकलेगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना ये कोर्स ऑफ लॉ है, ये इन्होंने किया नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली आके 24-8 को एक नोटिस दे रखा है, सबको एक ही स्टैंडर्ड नोटिस दे रखा है, और ये नोटिस पूरा प्री प्रिंटेड है। जैसे अभी आपने इनसे बात किया, जो ढंग से अपना नाम नहीं बोल सकते, और जैसे इन्होंने बोला कि घर पे आए, इनको पूछ लिया कि भाई आपका नाम क्या, उन्होंने बताया भाई हमारा नाम है समझो राम प्रसाद, तो उधर पेन से नाम लिख दिया और हाथ में नोटिस पकड़ा दिया। अब वो भी वो नहीं है, उन्होंने जो औरतें थी उनको बोला आप इधर अंगूठा लगाओ, तो उसका एक एलिगेशन तो उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि एक ही औरत 4-4 जगह पे अंगूठे लगवा लिए। नहीं, अभी उसके बाद में उन्होंने लीगल रिप्लाई ऑलरेडी दे रखा है, मंडे को उनके पास पहुंच चुका है, उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं है। और ये मेरे सुनने में आया है, इनके पास ही सुनने में आया कि यहाँ के कोई लोकल प्रतिनिधि है, उन्होंने इसको कुछ कॉल वॉल करके बुलाया था कि आप मिलने को आ जाओ, आप वकील के पास क्यों जाते हो, आप वकील की कार्रवाई क्यों करते हो, ये मेरे सुनने में आया हुआ है। मैं आई डोंट एंडोर्स द फैक्ट, जो सुनने में आए वो है। अच्छा, उसके साथ में मेरे पास मतलब लीगल रिकॉर्ड्स लेने के पहले ये लोग गए थे किसी ऑफिसर के पास, जिन बुरसे, इन्होंने नाम बताया था मेरे को, वो भी अंदर मेंशन है, ये बुरसे साहब के पास गए थे, बुरसे साहब को इन्होंने पूछा कि साहब ये नोटिस हमको दिया, आप हमारा घर तोड़ रहे हो, क्या बात है, हमारे पास तो सब डॉक्यूमेंट है, जो कुछ भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हम आपको ला के दिखाते, आप हमको बताओ सही है या गलत है। तो उन्होंने उनको अपफ्रंट बोल दिया डायरेक्टली कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, अनपढ़ लोग हैं, उनको उठा के भगा दिया, बोले चलता नहीं है, ठीक है हम सोमवार को सुबह आपका घर तोड़ने आएंगे। हमारी मांग यही है कि जो लॉ प्रोवाइड करता है प्रोविजन, आप लॉ के मुताबिक जाइए, आप लॉ के मुताबिक जाइए, आप उनको एक मांगते तो प्रॉपर नोटिस इशू कर दीजिए, विच इज़ अ प्रोविजन इन म्यूनसिपल एक्ट ऑल्सो लॉ, आप नोटिस पर उनको प्रोवाइड करिए, उनको बोलिए आपके जो डॉक्यूमेंट हमको ला के दिखाइए, एक हियरिंग देना कंपलसरी है। आज आप कोई भी बड़ा ऑफेंस कर देते हो, अपना लॉ यही बोलता है, कोई भी बड़ा, जैसे एक कसाब को पकड़ लो, उसको भी तो 6-7 साल मौका दिया सुनवाई करने का, हालांकि 125 करोड़ जनता, जैसे अपने PM बोल रहे, 125 करोड़ जनता ने उसको देखा, TV पे देखा, 48 घंटे देखा, 72 घंटे देखा, फिर भी उसको मौका दिया, करोड़ रुपया खर्चा किया वकालत पे, तो इनका क्या गुण है, इनका तो घर जा रहा है। और हर कोई आदमी को अपने घर, हर कोई आदमी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे ये हो, हर कोई आदमी, आप इनको प्रॉपर कोर्स ऑफ लॉ दीजिए, आप उनको प्रॉपर नोटिस दीजिए, हमको मौका दीजिए आपके पास आने का, हम आपको बताएंगे, आपको आपके हिसाब से लगता है कि ये डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है, तो उसके बाद में भी एक प्रोविजन है जो कि ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा हुआ है, जो मैं आपको दे सकता हूँ, ये स्लम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और आपको किसी को भी मौका देना चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, कोर्ट में जाने तक का मौका दे दीजिए, लेट कोर्ट डिसाइड,